Hello everyone. In last class, we studied till here. जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था राहुल के फ्रेंड्स अतुल और मोहन खेलने आए थे और वो लोग छुप छुप के साथ खेल रहे थे. उन्होंने छुप छुप को इतना भगाया कि वो खेलते खेलते थक गया और उसको नींद भी आने लगी और गलती से अतुल का पैर छुप छुप को किक करता है तो वो झाड़ियों में जाके गिर जाता है. नाउ छुप छुप कहाँ पड़ा था? झाड़ियों में अकेला और डरा हुआ. आई स्टार्ट रीडिंग विथ योर. टेडी वॉज वरीड अबाउट छुप छुप. टेडी को छुप छुप की चिंता होने लगी. टेडी कौन था? टॉयज का लीडर था. उसको छुप छुप के बारे में चिंता होने लगी. Worried is the past tense for worry. He said to all the toys, "Chuk chuk hasn't come back." उसने सारे टॉयज से कहा कि छुप छुक अभी तक आया नहीं है. We must try to find it. हमें उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. मिट्टू the parrot said, "Why should we worry about chuk chuk? हमें छुप छुक के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए? It don't even talk to us. वो हमसे बात भी नहीं करता है. टेडी सेड, मिट्टू इट्स ट्रू यू से बट आई थिंक छुप छुक इज इन ट्रबल. बट मुझे लगता है कि छुप छुक ट्रबल में है. ट्रबल मतलब मुश्किल. वी मस्ट हेल्प इट. हमें उसको हेल्प करनी चाहिए. देन ऑल द टॉयज एग्री टू लुक फॉर छुप छुक. फिर सब टॉयज ने मिलके डिसाइड किया, एग्री किया मतलब डिसाइड किया कि वो लोग जाके छुप छुप को ढूंढेंगे. दे वेंट इनटू द गार्डन टू फाइंड इट. वो लोग छुप छुप को ढूंढने कहाँ गए? गार्डन में. दे कॉल्ड आउट छुप छुप डियर फ्रेंड वेयर आर यू. उन्होंने आवाज लगाई कि छुप छुप कहाँ हो? ओ डियर फ्रेंड कहाँ हो? सडनली He heard the sobs coming from a bush. Sobs मतलब sobs का मतलब होता है सिसकने की आवाज. They ran towards it and found chuk chuk lying in it. मतलब वो लोग जैसे ही सिसकने की आवाज सुनी वो लोग दौड़ के उस तरफ गए, उस आवाज की दिशा में गए और वहां उसको चुक लाइंग मतलब गिरी हुई मिली. टेडी एंड जंबो पुल्ड इट आउट एंड ब्रॉट इट बैक टू राहुल्स रूम. टेडी और जंबो ने उसको खींचा और ब्रॉट इज द पास्ट टेंस फॉर ब्रिंग. ब्रिंग मतलब वापस लाना. उसने राहुल के रूम में चुक चुक को वापस लिया है. ऑल द टॉयज सेड लविंगली डोंट वरी छुप छुप विल टेक केयर ऑफ यू. सबने प्यार से उसको कहा तुम चिंता मत करो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे. दे क्लीन्ड इट प्रॉपरली. सबने उसको अच्छे से छुप छुप को अच्छे से साफ किया. सिम सिम द क्लाउन टैप छुप छुप्स हेडलाइट बैक इन टू प्लेस. सिम सिम यहाँ पे देखो ये जो जोकर है ना क्लाउन उसका नाम क्या है? सिम सिम. सिम सिम द क्लाउन ने क्या किया? छुप छुप की हेडलाइट वापस अपनी जगह पे लगा दी. देन इट पेंटेड ओवर ऑल द स्क्रेचेस विद द रेड पेंट. और सिम सिम ने रेड पेंट से सारे उसके स्क्रेचेस को पेंट कर दिया. छुप छुप लुक्ड ब्राइट एंड हैप्पी अगेन. छुप छुप अब पहले से ज्यादा ब्राइट और हैप्पी दिखने लगा. छुक छुक आईज फील्ड विद टीयर्स. छुक छुक की आंखें आंसुओं से भर आई. इट सेड आई एम सॉरी आई वॉज रूड टू ऑल ऑफ यू. छुक छुक कहता है आई एम सॉरी मैं आप सबसे रूड था. विल यू बी माई फ्रेंड्स क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे?
Everyone shouted, "Yes, Chuk Chuk, we'll be your friends. Yes, Chuk Chuk, हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे." Then all the toys lived happily ever. और सारे दोस्त मिलजुल के रहने लगे. Ever after का मतलब होता है हमेशा. और सारे दोस्त हमेशा हैप्पी हैप्पी रहने लगे. ओके, विद दिस आई एंड दिस क्लास एंड यू विल राइट द हाइलाइटेड वर्ड्स इन योर नोटबुक विद द हिंदी मीनिंग्स एंड यू विल ऑल्सो राइट ऑल द मीनिंग्स ऑफ दिस ग्रीन एरिया इन योर नोटबुक. Today you have two homework, that is one is meanings of highlighted new words which we highlighted with the marker and the new words which are given in this green area. Okay, goodbye everyone, goodbye for the day.